बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल। अब तक की न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद महमूद। खबर शामिल करते हैं कायमपुर से। ब्राइट फ्यूचर मोंटेसरी स्कूल एंड साइंस एकेडमी का 100% रिजल्ट आने पर बच्चों की तफरीक के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। आइए आपको तकरीब के मनाजिर दिखाते हैं। तफसीलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह एक साल मुकम्मल होने पर और अपने 100% अकेडमी के नतज आने पर बच्चों के लिए एक तफरी तकारीर जादूगर और बच्चों को मजीद लुफानंदोज करने के लिए बंदर का प्रोग्राम भी किया गया। इस प्रोग्राम में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ड्रामास, तकारीर, कवाली, फ़नी न्यूज़ बच्चों ने परफार्म किया। इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए काबिल एहतराम मेहमान ग्रामी तशरीफ़ लाए। डॉक्टर उस्मान सईदी जमालपुर, सुहेल रहमानी जमालपुर, राना महताब आलम खैरपुर टामेवाली, राना बाबर महमूद कायमपुर, राव जवेद उस्मानी कायमपुर, राना खालिद महमूद कायमपुर, राना जुल्फ़िकार अली कायमपुर, शेख फारूक जमालपुर, शहबाज कम्बो कलंदर शाह, जान शेर कायमपुर, फैज़ान अख्तर कायमपुर, जावेद कट कायमपुर, तहर विर कायमपुर और दीगर वालदैन ने शिरकत करके इस प्रोग्राम से लुत्फानंदोज़ हुए। तमाम आए मेहमानों ने बच्चों की हौसला अफजाई की और दुआए कलमात कहे। मजीद उनका कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम्स हर इदारे को करने चाहिए ताकि बच्चों के अंदर छुपी सलाहतों को उजागर किया जा सके। और आखिर में ब्राइट फ्यूचर की टीम का शुक्रिया अदा किया। प्रिंसिपल हाफिज़ उमर फ़ियास ने तमाम आए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और मजीद कहा कि इंशाअल्लाह मैं और हमारी टीम इस तरह नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मियों की मदद से आपके बच्चों में निखार लाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। Bye.
नहीं यार आज नहीं होगा यार। अरे एक लड़की भी है। क्या लड़की भी है? फटाफट बुलाओ उसको फिर। आ जाओ भाई। लड़के तुम्हें तमीज नहीं है? क्यों सर, लेडीज फास्ट होती है। उठो यहाँ से, वहां पे जाके बैठो। मुतरमा आइए, बैठ भी जाओ आप। तुम्हें ये भी पता है कि यहाँ पे क्या करने आए हो? जी सर, इंटरव्यू देने आया हूँ। चलो शुक्र है, तुम्हें ये तो पता है कि तुम यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हो। तुम्हारा नाम क्या है? सर एबी। एबी, ये कौन सा नाम है? अहमद भट्ट। बट्टा आया अहमद भट्ट, बड़ा हट सी भी पड़ा अपनी। PEAH प्याज, ये कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम है? सर प्याज यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे है? मैंने तो कभी नाम नहीं सुना। सर बहावलपुर में है। अच्छा सही है सही है। तुम्हारे नंबर कितने हैं? 97%। कितने? 97%। सही है। तो मुतरमा आप बताएं आपका नाम क्या है? गुलाबो। गुलाबो, बहुत ही स्वीट नाम है। मैं यही सोच रहा था कि गुलाब की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो आप ये बताएं आपकी यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? खुली। खुली? अब पागला ये गलत बात समझना, ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर रही है। कभी मैं राबे की क्लास ली होती तो पता होता। अच्छा अब हम इंटरव्यू का बकायदा आगाज करते हैं। आपने अक्सर सर कमर साहब से सुना होगा लेडीज फर्स्ट होती है। आपसे शुरू करते हैं मुतरमा, आप ये बताइए साइकिल के कितने टायर होते हैं? एक दो तीन। लड़की का कंसेप्ट क्लियर है यार, बहुत ही शरारती लड़की है, बच्चों वाली साइकिल की बात कर रही है। सर मुझसे भी इतने आसान सवाल पूछना है आपने? अच्छा आपसे भी पूछता हूँ। अच्छा ये बताया साइकिल के टायर में कितनी तारे होती है? नहीं आता ना, मुझे पहले ही पता था, आपने रट्टा लगाया है। तो आप बताए मुतरमा 1965 की जंग कब हुई? 1965 की जंग कब हुई? 1965। बच्ची का कंसेप्ट क्लियर, लड़की का कंसेप्ट क्लियर है बहुत। आप बताए, आपसे भी एक सवाल है, आपको पता है लेडीज फास्ट होती है? जी। फिर यहाँ पे बैठे क्यों हैं? अच्छा ये पता है 1965 की जंग में तलवारें कितनी टूटी थी? ये क्या अजीब सवाल है, मैं तो इंटरव्यू नहीं देता। भाई बैठ जाए, आपका फैसला बिल्कुल मेरिट पर होगा। जिस तरह फर्स्ट ईयर की लड़कियां चीटिंग नहीं करती, इस तरह आपके साथ चीटिंग नहीं होगी। अच्छा हिस्ट्री भी हो गया, IQ भी हो गया, अब हम बात करते हैं जुग्राफिया की। ये राफिया क्या है? नोटी है, बहुत नोटी है ये। आप बताएं भारत का दारुल हुकूमत क्या है? सर दिल से सोचें, दिल से। दिल्ली। कंसेप्ट क्लियर है लड़की का। सर मुझसे भी इतने आसान सवाल पूछना है आपने। अच्छा आपसे पूछूं? तो आप बताएं सर शहजाद की शादी कब होगी? जब आप देंगे हो जाएगी। रुको बताता हूँ। जितना मत